शराब नीति मामले में ईडी ने संजय सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जो कि पूरे 60 पेज की है। दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी का भी बयान अब सामने आ चुका है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं और चाहते हैं कि वो सीएम बने रहें, भले ही उन्हें फर्जी मामले में जेल भेज दिया जाए। दिल्ली सरकार आबकारी नीति लागू होने में हुई गड़बड़ी होने आरोपों के बीच सितंबर 2022 में से वापस ले लिया था। प्रवर्तन निर्देशालय का दावा है कि दिल्ली शराब नीति में कई लीडरों को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली गई। इस पैसे का इस्तेमाल पार्टी के लिए किया गया। ईडी का आरोप है कि संजय सिंह आबकारी नीति को बनाने में उनकी भी अहम भूमिका थी और वो रिश्वत के लेन देन से जुड़े हुए थे। इन आरोपों को आम आदमी पार्टी खारिज करती आ रही है। आपका कहना है कि केंद्र सरकार सियासी फायदे के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी सबूत के आधार पर कार्रवाई करती है। दिल्ली शराब घोटाले केस में इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। इसके बाद मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है, तो वहीं दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी, जिसमें आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।